गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र बता रहे हैं जिसको आप याद करेंगे और ये आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास है, कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन है, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू काट है, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक है, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक है और काट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन है। इसमें सारे मान 90 माइनस ए के रूप में हैं और सभी मान इसके धनात्मक आए हुए हैं। इसमें साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट और काट का सेक में काट का टेन में चेंज हो रहा है, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में और ये सारी चीजें जो है चेंज हो रही हैं। तो आपको जो है अगला देखें, जितना 90 प्लस थीटा के लिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा और कोसेक काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसमें दो मान धनात्मक हैं, साइन का मान कास धनात्मक है और कोसेक का मान सेक धनात्मक है। यहाँ साइन का मान कास धनात्मक है और कोसेक का मान सेक धनात्मक है और बाकी जो है चेंजिंग, बाकी सब निगेटिव है और बाकी चेंजिंग साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक में चेंजिंग हुआ है। इसी तरह अगला हम संपूरक कोणों के लिए, जब साइन 180 माइनस थीटा होता तो साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा होता माइनस कास थीटा, टेन 180 माइनस थीटा होता माइनस टेन थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा होता माइनस कोसेक थीटा और सेक 180 माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा। इन मानों में साइन 180 माइनस थीटा साइन में ही चेंज होता है, कास कास में ही चेंज होता है, टेन टेन में ही चेंज होता है, 180 माइनस थीटा में कोई मान जो है एक दूसरे में नहीं बदलते बल्कि उसी मानों में परिवर्तित रहते हैं। केवल ये देखना है साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सभी मान ऋणात्मक है। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा के लिए हम लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा और काट 180 प्लस थीटा बराबर काट थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा और सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है। तो इन मानों में हमें केवल टेन और काट का मान धनात्मक है, बाकी सभी मान ऋणात्मक हैं। इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको जो है चतुर्थांश के हिसाब से बताते हैं। चतुर्थांश में जैसे अगर 0 से 90 के बीच ये पहला चतुर्थांश है, ये जो है 90 से 180 के बीच दूसरा चतुर्थांश है और जो है 180 से 270 के बीच तीसरा चतुर्थांश है और 270 से 360 के बीच जो है ये चौथा चतुर्थांश है। तो साइन अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा, मतलब 90 यहाँ, 90 माइनस थीटा इधर आएगा तो 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में पड़ेगा और ये साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में होगा। 180 माइनस थीटा करेंगे तो दूसरे में, 180 प्लस थीटा करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में ये पड़ेगा और माइनस थीटा करेंगे तो इधर पड़ेगा चौथे में। तो इस तरह जो है चतुर्थांश के बारे में आपने जान दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब आल जो है रेशियो इसमें पॉजिटिव आएंगे, इसमें केवल साइन और कोसेक मतलब साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 एक्स 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में केवल साइन और कोसेक के मान धनात्मक आएंगे और 180 प्लस थीटा में जो है टेन और काट के मान केवल धनात्मक आएंगे और साइन जब माइनस थीटा लेंगे तो कास और सेक के मान धनात्मक आएंगे। तो इस तरह से चतुर्थांशों के हिसाब से यहाँ इसको आप जान लिया। अब यहाँ निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जब इस टाइप का सवाल हो साइन 18 बटे कास 72 या 18 और 72 जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा तो केवल एक मान को परिवर्तित करिए, एक मान को, चाहे अंश वाले को या हर वाले को, हर
हमने अंश वाले को परिवर्तित किया, 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, हमने लिखा 18 डिग्री को यहाँ 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस 72, और ऊपर जो फार्मूला दिया गया है उसके हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72, फिर हमने नीचे लिख दिया साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू कॉस 72 पॉजिटिव होता कॉस 72 बटे 72, ये बराबर आ गया 1, कॉस 72 बटे 72 बराबर 1 आ गया, इसका मतलब साइन 18 बटे कॉस 72 का मान 1 आएगा। इसी तरह इसमें सेम सभी सवाल हैं, इसमें देखेंगे ये 26 और 64 यहाँ 90 आएगा, 11 और 79 यहाँ भी 90 आएगा, कॉस 18 प्लस 72 ये भी 90 आएगा, तो हमें केवल अंश वाले को चेंज करना है, टैन यहाँ लिखेंगे टैन 90 माइनस 64, टैन 90 माइनस 64, टैन 90 माइनस 64 बराबर जो है काट 64, ये काट है, और सेक 90 माइनस 79 यहाँ का यहाँ कास के लिए कास 90 माइनस 72 लिख देंगे, और फिर जो सूत्र के हिसाब से उसका प्रयोग कर देंगे। तो होमवर्क आपके लिए यहाँ है, इसको आप करेंगे। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित का मान निकालिए। ये पहला है कास 48 डिग्री माइनस कास 42 डिग्री, तो कास 48 डिग्री माइनस कास 42 डिग्री, हमने जो एक को चेंज कर दिया, केवल एक को चेंज किया, 48 को हमने लिख दिया कास 90 माइनस 42 बराबर 48 आ गया, हमने इसको अभी चेंज नहीं किया, ये कास था ऊपर हमने कास यहाँ भी लिखा, और 90 में से कितना घटाएं कि ये 48 हुआ तो 42 घटाने को गया, तो कास 90 माइनस 42 बराबर साइन 42, साइन 42 साइन 42 कैंसिल हो गया, तो जीरो इसका मान, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, हम सूत्र याद रखेंगे, सूत्र अच्छी तरह से याद रख लेंगे, नहीं तो फिर जो है हमें मान रखने में दिक्कत हो। होमवर्क के लिए आपको ढेर सारे सवाल आपको दिए गए हैं, आप होमवर्क इसको ठीक तरीके से करें। इस तरह निम्नलिखित का मान निकालिए, कास 38 डिग्री कास 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो कास 38 डिग्री कास 90 माइनस 52 और कास 52 डिग्री कास 90 माइनस 38 डिग्री, हमने जो दोनों को चेंज कर दिया, तो यहाँ आ गया कास 90 माइनस 52 बराबर साइन 52, साइन 90 माइनस 38 बराबर साइन 38, दोनों साइन 52 साइन 38 में हमने चेंज कर दिया, तो इधर वाला साइन 52 इंटू साइन 38 साइन 52 इंटू साइन 38 कट गए बराबर ये भी जीरो आ गए, तो इस तरह ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर इसी तरह के होमवर्क आपको दिए गए हैं, तो आप इन होमवर्कों को करें, यहाँ ढेर सारे होमवर्क हैं, प्रश्नावली भी यहाँ इसमें दी गई है, कुछ लोगों की शिकायत थी कि होमवर्क कम दिया जा रहा है, तो होमवर्क आपको ढेर सारा इस बार दिया जा रहा है, आप होमवर्क करें, थैंक यू, होमवर्क करने के बाद आप हमें शेयर करें।